हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक एडवाइज़र में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यस बैंक को लेकर। आज ही यस बैंक में एक अपडेट आ रहा है। इन्होंने जो QIP इशू किया था यस बैंक ने, उस QIP से इन्होंने लगभग 1930 करोड़ रुपये कलेक्ट कर लिए हैं। तो अब आगे क्या करें हम यस बैंक में, किस प्रकार की पोजीशंस हम बनाए यस बैंक में, उस बात को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा कि यस बैंक का लिक्विडिटी का बहुत ही सीरियस इशू है। लिक्विडिटी इशू मतलब इनके पास कैपिटल मतलब अमाउंट या फिर पैसे नहीं है लोन डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो एक्चुअली बैंक क्या करती है, पीछे से अमाउंट को उधार लेती है और उसी उधार को लोन के तौर पर अपने कस्टमर को बांटती है। अगर कस्टमर डिफॉल्ट हो जाता है तो डेफिनेटली बैंक जो जिनसे उधार लिया है अमाउंट, थर्ड पार्टी से जो उधार लिया है, उनको रिपेमेंट नहीं कर पाती। और यस बैंक को उसी प्रकार के इश्यूज रिसेंटली फेस करने को मिले हैं। इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स थे वहाँ, उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स डिफॉल्ट हो चुके और वो यस बैंक से जिन्होंने जो लोन लिया था उसको रीपेमेंट नहीं कर पाए। तो लिक्विडिटी का एक सीरियस इशू है यस बैंक में, ठीक है। तो अगर आप यस बैंक में अगर करंट सिचुएशंस से अगर बाय करने के लिए सोच रहे हो, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, कुछ बातों पर आपको फोकस करना होगा। तो वो बातों को भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की मैं कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यस बैंक की रिसेंट न्यूज़ लगा दी है। यस बैंक ने आज प्रॉपर फाइल करके बोला कि इन्होंने जो QIP मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP जो इशू किया था, वो उन्होंने आज August 14 मतलब आज उसको क्लोज कर दिया। और इस QIP थ्रू उन्होंने लगभग 1930 करोड़ रुपीस कलेक्ट कर लिए थे। तो लगभग इतना ही टारगेट था और पूरी तरीके से टारगेट को यस बैंक ने अचीव कर लिया है, ठीक है। और यहाँ जो फ्लोर प्राइस रखी गई थी, वो रखी गई थी 83.55 रुपीज़, ठीक है। इनिशियली ये प्राइस की बात करें तो इनिशियली ये प्राइस 87.90 रुपीज़ पर शेयर थी। बट देखिए, इतनी हायर प्राइस के ऊपर QIP कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड मतलब जो इंस्टीट्यूशनल थे वो प्रॉपरली इंटरेस्टेड नहीं थे। इसी के चलते इन्होंने ये 87.90 रुपीज़ जो इनिशियली प्राइस रखा था उसके ऊपर डिस्काउंट लगा दिया लगभग 5% का। तो वहाँ तकरीबन 4.35 रुपीज़ प्राइस कम हो गई और जो QIP के लिए प्राइस फ्रेश प्राइस निकल के आई वो थी 83.55 रुपीज़। तो बहुत लोअर प्राइस के ऊपर इन्होंने QIP इशू किया और उसको अच्छा रिस्पांस भी मिला। मे भी अगर ये 87 रुपीज़ ही फिक्स रखते तो मे भी इतनी बड़ी कैपिटल को ये कलेक्ट नहीं कर पाते। तो एक संजीवनी की तरह ये अमाउंट काम करेंगी यस बैंक को लेकर, क्योंकि यस बैंक को लिक्विडिटी के इशू है। इनको कैपिटल चाहिए, इनको पैसे चाहिए आगे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि ये अगर इनके पास कैपिटल नहीं होगा, इनके पास अगर अमाउंट नहीं होगी, तो ये फ्रेश लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। और अगर ये फ्रेश लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए तो ये अर्निंग ही कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक एक संजीवनी की तरह ये QIP ने अब यस बैंक के लिए काम किया है और एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्होंने गैदर कलेक्ट कर ली है इस QIP थ्रू। इस बात को मैं मेंशन करना चाहूँगा, ठीक है। आप इस बात से ज़्यादा उत्तेजित ना होइए कि भाई अब बहुत बड़ी अमाउंट यस बैंक के पास आ चुकी है। अगर हम अब बैंकिंग बिजनेसेस की बात करें तो ये अमाउंट एवरेज है, कुछ बड़ी कुछ ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। इनिशियली यस बैंक ने बात करें तो उन्होंने लगभग 1 बिलियन डॉलर कलेक्ट करने का टारगेट रखा था, पर बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि बैंक की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब है। और डेफिनेटली मार्केट से 1 बिलियन डॉलर रुपीज़ को कलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। और ऑलरेडी अगर इतना बड़ा टारगेट रख लेते 1 बिलियन डॉलर कलेक्ट करने का, और एक्चुअली अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट मतलब 1930 करोड़ को अगर डॉलर में कन्वर्ट कर लोगे तो वो आता है 220 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो 220 बिलियन डॉलर ही कलेक्ट कर पाई। इनिशियल टारगेट था 1 बिलियन डॉलर। तो उनको ऑलरेडी पता था कि 1 बिलियन डॉलर मार्केट से कलेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। और वहाँ जो एक प्रोपोर्शनल माना जाता है भाई कि 1 बिलियन डॉलर कलेक्ट करने निकले और एक्चुअली इनको मिला 220
1 मिलियन डॉलर। तो वहाँ से इन्होंने टारगेट ऑलरेडी कम कर दिया और टारगेट रखा था 220 मिलियन डॉलर, मतलब 1930 करोड़ रुपीज़ इन INR, मतलब इंडियन नेशनल रुपीज़ में। तो ऑलरेडी जो टारगेट रखा था वो सफिशेंट टारगेट रखा था, एवरेज अमाउंट रखी थी और उतनी अमाउंट इन्होंने QIP से कलेक्ट कर ली है, ठीक है। और हाल फिलहाल में अभी एक न्यूज़ भी आ रही है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने यस बैंक में माल उठाया है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड्स के इंस्टीट्यूट को कि QIP यस बैंक में अब थोड़ा सा बॉटम बन गया है और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो तकरीबन 23 करोड़ शेयर्स इन्होंने QIP थ्रू इशू किए हैं, ठीक है। और ये एग्रीगेट की बात करें तो ये तकरीबन 10% है यस बैंक के टोटल कैपिटल से अगर कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। मतलब 23 करोड़ शेयर्स इन्होंने इशू किए QIP थ्रू, वो थे तकरीबन 10% ऑफ यस बैंक का पूरा कैपिटल कंसिडर करते, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू के 10% इन्होंने मार्केट से माल उठा लिया है, ठीक है। अब अगर आप यस बैंक में फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो आपको इन 6 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में इकोनॉमी जो है हमारी वो थोड़ी सी वीक रहने वाली है। तो अगर इकोनॉमी वीक होगी तो फ्रेश लोन डिस्ट्रीब्यूशंस भी कम होगा, तो डेफिनेटली बैंकिंग के जो अर्निंग्स होंगे उस पर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और स्पेशली यस बैंक जैसी बैंक जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा वीक चल रही है और उनके पास ऑलरेडी लिक्विडिटी का इशू है, तो डेफिनेटली वीक इकोनॉमी यस बैंक के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाली है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो डिफरेंट एक्सपोजर है बहुत, इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को लोन बांट के रखा था और वो क्लाइंट डिफॉल्ट हो चुके हैं। तो देखिए डिफरेंट एक्सपोजर ऑलरेडी करंट लाइव है और नियर बाय फ्यूचर्स में भी इनको कुछ और एक्सपोजर भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं, मतलब वो एक्सपोजर आइडेंटिफाई होने के बाद वो ऑटोमेटिकली NPAs में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी एक इशू है यस बैंक को लेकर, इवन इफ इन्होंने कैपिटल भी कलेक्ट कर लिया बट जो करंट एक्सपोजर है उसको कैसे किस प्रकार से वो सॉर्ट आउट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, वहाँ पर भी आपको नज़र बनानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें थर्ड, तो मैनेजमेंट भी इशू है। आप सभी को पता है कि यस बैंक इतने ऊपरी प्राइस के ऊपर, मतलब साल भर की पहले की बात करें तो 400 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसमें कंसिस्टेंटली गिरावट देखने को मिली है। तो इसके पीछे एक और इशू है कि मैनेजमेंटल भी इशू है, क्योंकि बहुत कंपनीज के जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ओके। तो वो एक इशू हमेशा इसमें बना हुआ रहता है कि कब कौन कौन आने वाले दिनों में कौन कौन बैंक का मेंबर्स बैंक को छोड़ के जाएगा। तो मैनेजमेंटल इशू भी और इस प्रकार की न्यूज़ फ्लो भी इसमें बनी हुई रहती है। राणा कपूर को CEO से हटा दिया गया, उसके बाद बहुत कंपनीज की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी थी उन्होंने भी बैंक को छोड़ दिया। तो एक मैनेजमेंटल इशू भी बैंक में ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद बात करें नॉट ट्रस्ट वर्दी बैंक, देखिए NPS को लेकर जो इशू था इसी के चलते राणा कपूर को स्टेप डाउन करना पड़ा और RBI को ऑलरेडी पहले ही भनक लग चुकी थी कि यस बैंक में NPS को लेकर कुछ ना कुछ इशू है। इसी के लिए इन्होंने अपना एक आदमी को यस बैंक के बोर्ड मेंबर में बिठा लिया, मतलब अगर बोर्ड मेंबर किसी प्रकार का डिसीजन लेते हो तो उसका डायरेक्ट इंडिकेशन, उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहले RBI को जाएगी। तो इनके जो बोर्ड मेंबर है उसमें एक मेंबर ऑलरेडी RBI का है और वो बैंक के पूरे ऑपरेशंस के ऊपर पूरी बारकाई से नज़र बनाए हुए रखा है। तो इसलिए मैंने कहा कि नॉट ट्रस्ट वर्दी बैंक, ऑलरेडी ये ट्रस्ट बहुत बार लूज़ कर चुकी है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन इन्होंने इनिशियली हाइड किए थे अपने शेयर होल्डर से। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इट इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी बैंक, ये बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी बैंक नहीं है, ओके। और लास्ट है हेवी कॉम्पिटिशन इन बैंकिंग सेक्टर। देखिए जिस प्रकार से एक्सिस बैंक की ग्रोथ हो रही है, ICICI बैंक की ग्रोथ हो रही है, HDFC बैंक की ग्रोथ हो रही है, तो देखिए इनको टफ कॉम्पिटिशन्स मिलेगा नियर बाय फ्यूचर्स में इन बैंकों से, ठीक है। तो बिजनेस पर भी इनके इम्पैक्ट होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा और उसके बाद ही आप किसी प्रकार की फ्रेश बाइंग यस बैंक में कर सकते हैं। उसके बाद हम आखिर में यस बैंक का चार्ट एनालिसिस कर लेंगे। अभी ये मैंने आपके सामने यस बैंक का 1 ईयर का चार्ट लगा दिया है,
तो देख सकते हो एक साल भर पहले ये एक प्रीमियम प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और उसके बाद कंसिस्टेंटली न्यूज़ फ्लो बना हुआ था इस शेयर्स में। थोड़े थोड़े बीच में रिकवरी के साइन दिखे हमें, बट फिर भी ये शेयर्स आज अपने 52 वीक लो के काफ़ी करीब ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें कि चार्ट को मैं थोड़ा सा क्लोज लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिकवरी के कोई भी चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे, अगर मैं चार्ट से आपको इंडिकेट करने की कोशिश करूँ तो। ठीक है, तो नियर बाय टर्म में किसी प्रकार के रिकवरी के साइन नहीं है। इसको अब जो इसमें जो न्यूज़ फ्लो आएगा इसी के चलते ही ये शेयर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। और देखिए, और अब ये शेयर्स उस फेज़ में चला गया है जहाँ पर थोड़ा बहुत जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा उस वक्त इस शेयर्स पर सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर सेलिंग प्रेशर आएगा, फिर ये शेयर्स नीचे आएगा, फिर बहुत ज़्यादा लोग इसमें माल उठा लेंगे, क्योंकि अगर हर एक दिन की डिलीवरी की भी बात करें तो ये शेयर्स में लगभग हर रोज़ 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स डिलीवर होते हैं। तो ये जो 1 करोड़ तक जो लोग शेयर्स को डिलीवर करते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं। तो हमेशा किसी ने 4 लाख 5 लाख येस बैंक में शेयर उठा लिए, थोड़ा बहुत शेयर्स ऊपर गया कि वो इस पर उस प्राइस के ऊपर उस शेयर्स को बेच देते हैं, फिर उस शेयर्स पे सेलिंग प्रेशर्स बनता है, फिर वो शेयर्स नीचे आता है, फिर नीचे आने के बाद फिर उसमें हायर डिलीवरी होती है, फिर ये शेयर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहाँ एक सेलिंग प्रेशर्स बनता है। तो अब ये एक इसे एक जाल में फंस चुका है जहाँ से इसका ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो एक नियर बाय टर्म की बात करें, अगर आने वाले 6 मंथ की बात करें या फिर 1 ईयर की बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 100 भी क्रॉस कर पाएगा। ये उसी प्राइस रेंज में ये खेलेगा, तकरीबन 70 to 100 के आसपास में भी। अगर कुछ और बुरी न्यूज़ आती है तो ये 50 रुपीज़ तक भी नीचे जा सकता है, और अच्छी न्यूज़ का अगर फ्लो बना रहा इस स्टॉक में तो डेफिनेटली ये शेयर्स 100 तक भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात भी करें मूविंग एवरेजेस की भी बात करें, तो अपने ऑल मूविंग एवरेजेस से नीचे ये शेयर्स ट्रेड कर रहा है, काफ़ी नीचे ये शेयर्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से तो मुझे इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। बट अगर आप बात करें, देखिए रोनित गिल ये एक अच्छे और एक क्या उसको हम बोलेंगे कि एक एक आप वेल प्रोफेशनल सीईओ है, और एक बड़े बैंक के सीईओ है, ऑलरेडी रह चुके हैं ड्यूच बैंक के, जो इंटरनेशनल लेवल की बैंक है उसके ये सीईओ रह चुके हैं। तो डेफिनेटली, और राणा कपूर भी अभी बोर्ड मेंबर में आ चुके हैं, तो डेफिनेटली वो अब यस बैंक को इतनी फंसी हुई सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यस बैंक इस प्राइस के ऊपर एक शानदार शेयर है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको आपका व्यू होना चाहिए, लगभग 5 साल 10 साल के लिए आपका व्यू होना चाहिए यस बैंक को लेकर। और डेफिनेटली उस वक्त ये 250 300 400 भी क्रॉस कर लेगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू रखिए आप। शॉर्ट टर्म के लिए अगर बाइंग कुल में इसमें किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आप अगर आपको 1 ईयर या फिर 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है यस बैंक से, तो मैं कहूँगा आप इस शेयर से दूर ही रहिए। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर्स बेहतरीन है, शानदार है। और डेफिनेटली अगर आपने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ में अगर आपने यस बैंक में माल उठा लिया तो डेफिनेटली आपको वो फ़ायदा होगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि आपकी पोर्टफोलियो की साइज़ है समझो 10 लाख रुपीज़, और उसमें से अगर आपने 1 लाख रुपीज़ के यस बैंक के शेयर उठा लिए, तो ये बिल्कुल भी फेयर कॉम्बिनेशंस नहीं होगा। अगर आपकी पोर्टफोलियो की साइज़ 10 लाख रुपये है, तो मैं मैक्सिमम आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्सिमम 10,000 रुपये ही यस बैंक में इन्वेस्ट करिए। अगर ये शेयर्स और नीचे जाता है तो देखिए आपको लॉस वो बहुत कम होगा। और ये शेयर्स अगर नियर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें 3 साल में 5 साल में अगर ये 250 300 तक भी ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली आपके जो 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे वो 3 4 गुना बढ़ जाएंगे। तो छोटी इन्वेस्टमेंट करिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें यस बैंक में। ठीक है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ना करें। ठीक है, एमएससीडी के ऊपर बात करें तो बेयरिश क्रॉस और जनरेट हो चुका है। तो अब ये तो कल जब परसों के दिन मतलब 16 अगस्त को मार्केट ओपन होगा तो इसकी चाल समझ में आएगी थोड़ी सी। तो टेक्निकल की बात करें तो ये कुछ ज़्यादा इंडिकेट नहीं रहा है हमें, क्योंकि अब इसमें न्यूज़ फ्लो ही शेयर्स को ड्राइव करने वाला है। अगर हम इसके ऑप्शन चेन की भी बात करें या फिर रिसेंट फ्लो की भी बात करें,
तो वो बातें पर ये शेयर्स का मूवमेंट बहुत ही कम डिपेंड है, इसको न्यूज़ ही अब चलाएगी इस शेयर्स को, ठीक है। तो फिर एक बार मैं अपनी रिकमेंडेशन को दोहराना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, ठीक है, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी ना करें, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करिए इस शेयर्स में, और लॉन्ग टर्म व्यू रखिए लगभग 5 साल का 3 साल का, तब जाके आपको यस बैंक में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और ये शेयर थोड़ा सा नीचे भी जाता है, मे बी 50 रुपीज़ तक भी नीचे जाता है, तो पैनिक बिल्कुल भी ना होए और सेल भी ना करिए, क्योंकि आपने शेयर्स में कम इन्वेस्टमेंट की होगी, तो डेफिनेटली अगर ये शेयर्स नीचे भी जाता है तो आपका लॉस भी कम होगा, ठीक है। बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशंस थी, आपका ओपिनियन, आपकी राय मे बी डिफरेंट हो सकती है, मे बी आप जिस साइट से स्टडी करते हैं वहाँ आपको डिफरेंट ओपिनियन मिलती होगी, ये मेरी एक सेफ़र साइट रिकमेंडेशंस है, ठीक है। और अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज़ 1 लाख से भी कम का है तो मैं कहूँगा स्टे अवे फ्रॉम येस बैंक, येस बैंक में बिल्कुल भी ना इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं और लॉन्ग टर्म के भी लिए नहीं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।